देश विदेश में हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com र कतिपय अवस्थामा नेपाली जनताको पीर र मर्कालाई अभिव्यक्त गर्ने सशक्त माध्यमको रूपमा हाम्रो अगाडि आएको छ। वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा त हेर्दाखेरि जुन स्थितिमा देश छ त्यो एउटा नेपाली जनताको आवाजलाई देशमा भइरहेका भ्रष्टाचारलाई अनियमितलाई उद्घार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा एउटा पिलरको रूपमा नै अहिले सञ्चार माध्यमहरू देखा परिरहेछ। तपाईँलाई भन्दा पनि बुझ्नुभयो होला यो के अयल निगमको चाहिँ केसको सुन्नुभयो होला अहिले आफ्नो प्राइभेट लिमिटबाट फेरि अनुभवको घोटालाको कुरा तर एक किसिमले त्यसलाई बाहिर ल्याउनु यथार्थतालाई बाहिर ल्याउने र त्यसलाई जनताको माझमा उभ्याउने काम कसले गर्यो नेपालको सञ्चारमा यो यथार्थ जहाँ न्याय लत्याएको छ त्यहाँ पनि आधार उठाउने सञ्चारमा गरेको छ। जहाँ साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको छ नेपालमा अहिले त्यहाँ त्यसलाई उद्घार गर्ने काम सञ्चारमा जहाँ नेपालीको स्वाभिमानमा आँच आएको छ त्यो बेलामा त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउने काम नेपालको इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रिन्ट मिडियादेखि सबैले गरेको छ। र वास्तवमा जनताको समस्याको बारेमा आधार मात्रै हेर्ने समाधानका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यमहरू थुप्रै आएको छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको अवस्थामा गुड गभर्नेन्स र एन्टाइ करप्सन प्रोसिजरको रूपमा नेपालका सञ्चार माध्यममा आएको छ। कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यमलाई आलोचना गरेर पनि मैले सुने छु कमजोरी कहाँ हुँदैन होला तर यो मिडियाले नेपाली सोसाइटीलाई पोलराइज गर्नबाट बचाउनु खोजेको छ, सबै नेपालीलाई एक गराउनु खोजेको छ र राष्ट्र निर्माणमा सबैलाई सहभागी गराउने प्रयास गरेको छ। त्यसमानीमा मलाई लाग्छ नेपालको सञ्चार माध्यमले आफ्नो भूमिका अहिलेको अवस्था बरु संसदले गरेको छैन होला संसदीय समितिहरूलाई कसैले वार्ता गर्दैन होला तर मिडियामा आइसकेपछि द्याट बिकम्स डिजिटल भिडियो यो यथार्थ हो। यसको लागि म यो नेपाल रेडियो नेटवर्क लगायत सबै संसार कर्मी मित्रहरूलाई निर्वाचन आयोगले गर्ने के हो भन्दाखेरि निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो भड्किलो र विकृतिको भइसकेको छ। त्यसैले त्यसलाई सुशासित गराउने अनि मनी मसल्सका प्रयोगहरू हुन नदिने आदि कुरामा त निश्चितै रूपमा नेपालको निर्वाचन आयोग प्रमुख आयुक्तलाई मैले कुनै एउटा कार्यक्रममा मैले पर्सनली पनि भनेको थिएँ, मैले यस्तै बोलेर पनि भनेको थिएँ टिएम सेसन बन्द दिनुहोस्, तर फेरि यसको अर्थ राजनीतिक पार्टीहरूले पनि गतिविधि नै गर्न नपाउने अथवा सरकारले पनि आफ्नो काम गर्न नपाउने रोक्नु मात्रै धेरै यो आचार संहिता हुन सक्दैन निगमन हुन सक्दैन। त्यसमा सायद हिजोसम्मको निर्वाचन त्यो स्थानीय तहको तेस्रो चरणको त्यसका निम्ति पढाइ गरेको होला, अब कार्तिक पाँचभन्दा पहिला गर्न पाइन्न, यो त बडो पुरस्त समय हो, उम्मेदवार हुँदैकै छैन, उम्मेदवारले नोमिनेसनै गरेका छैन अनि अहिलेदेखि आचार संहिता भन्ने कुरा सही होइन। यसले कैयौँ संस्थाहरू एकदम अहिले मोटाउने कुरा भएका छन्, सहमति 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 भन्दै हिँड्ने हिँड्न गर्ने बाध्यता र पहिलो ठाउँमा त्यही भित्र के अनियमितता हुने कुरा छ त्यो हुने प्रतिबद्ध सचेत हुने कुरा चाहिँ सही छ भन्ने मलाई लाग्छ। जो हामी इतिहासमा पहिलोचोटि त्यसको आर्थिक विकास र समृद्धि पनि हुन सक्दैन, त्यसैले अब नेपाली रेडियो नेटवर्कले राजनैतिक स्थित आर्थिक विकास र समृद्धि राष्ट्रको एजेन्डा त्यसको निम्ति आर्थिक राजनैतिक स्थिरता आर्थिक राजनैतिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित देशको कार्यकारी प्रमुख हुने एजेन्डालाई चाहिँ नेपाली रेडियो नेटवर्कले जनताको घरसम्म पुर्याउनु जरुरी छ। अब नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन र अहिलेको आवश्यकता होइन आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा हो, सँगसँगै निर्वाचनमा आएको विकृति र विसङ्गति टिकटै खरिद गर्ने
भोटर पनि खरिद गर्ने राजनीतिक पेसा राजनीतिक गर्ने भन्दा अन्य व्यवसाय र पेसाका मान्छेहरूले पैसा खर्च गरेपछि जे पनि पाउने भन्ने एउटा खालको विकृति र विसङ्गति अहिले लोकल इलेक्सन हुँदै आउने चुनावसम्म जाँदा बडो चुनौतीको रूपमा आएको छ। अब महिला र अलिक दुर्बल वर्गबाट आएका केवल राजनीति र सेवाको उद्देश्यबाट राजनीतिक आन्दोलनमा लागेकाहरूले अब निर्वाचनको सामना गर्न नसक्ने स्थिति देशमा खडा भएको छ। यसको अन्त जरुरी छ र त्यसको निम्ति राजनीतिक पार्टीहरूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विधि चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्न जरुरी छ। पार्टीहरू राजनीति जनताका बिचमा राजनीतिक पार्टीलाई मत माग्ने पार्टीले आफ्नो मतको आफ्नो पार्टीले पाएको मतको आधारमा प्रतिनिधि चयन गरेर पठाउने प्रणाली यदि अङ्गीकार गरिएन भने निर्वाचन भनेको खरिद बिक्रीको विषय जस्तो बन्ने एउटा खतरा बनेको छ। यसका बारेमा पनि नेपाली रेडियो नेटवर्कले नेपाली जनतालाई सचेत पार्ने र एजेन्डामा सबै राजनीतिक दलहरूलाई केन्द्रित गर्ने एउटा भूमिका खेल्न सकोस् म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, अपिल पनि गर्न चाहन्छु र अन्त यहाँ एक बहुत अच्छी सड़क प्रथा बनी है। मैं एक घंटे से देख रहा हूँ कि जो भी इस मंच पे आता है उसके बाद वो सीधा वहीं देना है। तो मैं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँ, आपसे पहले ही जाऊँ। ऋषि, सबसे पहले मेरे को यहाँ खड़े होकर बहुत खुशी है कि आपने एक साल में ये नेटवर्क को इतना आगे इसमें आपकी जो अपनी अद्भुत भूमिका है उसको मेरे को सबसे ज्यादा सराहना करना है। भाइयों बहनों, आई होप आप साथ मेरे साथ इस बात के लिए एक हैं कि इस नेटवर्क को बनाने के लिए और इसको यहां तक पहुंचाने के लिए किसी का इतना बड़ा हाथ नहीं है। आप सबका तो जरूर है लेकिन एक अगर शख्स का हाथ हो वो है ऋषि धवला। मिलकर हम उसके लिए एक बार ताली बजाऊंगा। आज एक मौका है जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है नेपाल का और बहुत सारे जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ खड़े हुए सबने अपनी अपनी प्रक्रिया जाहिर की कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है। अम्बेसडर होते के नाते ना तो ठीक लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ कहूँ और वैसे भी कहा जाता है कि डिप्लोमैट शुड ओनली बी सीन एंड नॉट हर्ड। इसके बारे में मैंने तो इसका ये अध्ययन किया कि मेरे को ये बहुत बढ़िया मौका मिला हर एक मेजर राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता के मुंह से खुद सुनने के लिए कि वो क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है। मेरा अपना मानना बहुत सिंपल है, मैं दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री से आता और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारे लिए नेपाल का एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक अस्तित्व फेडरल पॉलिटी जो आप बना रहे हैं उससे जो भी आप करें उसको स्ट्रेंथन के लिए उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ बढ़ के चीज हो नहीं सकती। यही चीज हम जानते हैं और यही चीज हम समझते हैं। आपके लिए सबके लिए बहुत अच्छा होगा जिस तरह आप सब लोगों को इकट्ठा लेके चले, सब लोगों को उसके बीच में मिले, इंक्लूजन हो, हर लोग उसमें रहें। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में तो नेपाल के लिए आगे जाने के लिए कोई चीज और अच्छी नहीं हो सकती। पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए इंक्लूजन, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन ये सब चीजें मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब यहाँ पर नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं। आई होप आप सब इसके साथ जरूर मिलेंगे। ऋषि, मुझे पता नहीं कि आपने अन्य एम्बेसडर वगैरह को आज के लिए बुलाया लेकिन मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं इसलिए धन्यवाद हूँ ऑफकोर्स कि मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर रहे, इसलिए भी मैं धन्यवाद हूँ क्योंकि आपने रिकग्नाइज किया कि इंडिया वो कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेसी सबसे बड़ा पासवर्ड है, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ा पासवर्ड है, जहाँ फ्रीडम सबसे बड़ा पासवर्ड है। इसको कहते हैं फ्रीडम, डेमोक्रेसी, प्रेस, मीडिया फ्रीडम, ये सब चीजें हम लोगों के लिए बहुत मिले और आपने मुझे ये बना यहाँ पर बुला के इस चीज का मुझे फीलिंग ये है कि आप इस चीज को रेकग्नाइज करते हो और मैं इसके लिए आपका
ही रहेगा। भाइयों बहनों, मैं और ज्यादा आपका टाइम नहीं देना चाहता, आप लोगों को बहुत मैं इस चीज के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आपके यहाँ तीन राउंड इलेक्शन के हुए, लोकल इलेक्शन के, इतना हाई टर्नआउट हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आप आपको बता रहे थे कि उनकी तरफ से उन्होंने क्या कहा, किसी ने यहाँ पर एक क्लियर सेशन का भी नाम दिया था, पता नहीं वो किस संदर्भ में था, मुझे समझ नहीं आई बात, बट मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो यहाँ है उनकी भूमिका आपकी तरह फ्रीडम ऑफ इलेक्शन, फेयरनेस, इंडिपेंडेंस और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें आप लोगों की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका जितना भी सराहना किया जाए वो उतना ही कम है। इसलिए बोथ ऑफ यू इन अ सेंस स्टैंड देयर एज द गारंटी फॉर डेमोक्रेसी एंड द गारंटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन गोइंग फॉरवर्ड। इसलिए आई वांट टू थैंक यू अगेन वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको, नेटवर्क को बहुत बधाई हो और पूरे नेपाल को बहुत बधाई हो। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इस पे भी आप लोगों को बहुत बधाई हो और दसाई के फेस्टिवल पे और त्योहार दिवाली के फेस्टिवल पे आप लोगों को सब कुछ शुभकामनाएं।